बांग्लादेश के हाथों शर्मनाक हार के बाद ड्रेसिंग रूम में बैठकर रात भर रोते रहे पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी। लाहौर से लेकर कराची तक बाबर आजम के जलाए जा रहे पुतले। पाकिस्तान के इस खिलाड़ी ने बाबर आजम को दिया क्रिकेट से संन्यास लेने की सलाह। शर्मनाक हार के बावजूद मोहम्मद रिजवान का ड्रामा नहीं हो रहा खत्म, पाकिस्तान में मचा बवाल। ऐतिहासिक हार के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हुक्का पानी किया जाएगा बंद। एक एक रुपए के लिए तरस जाएंगे बाबर और रिजवान, पीसीबी ने लिया चौंकाने वाला फैसला। जब से बांग्लादेश के हाथों घर पर ही पाकिस्तानियों को बुरी तरह से जलील होना पड़ा है और दो टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान का पूरी तरह से क्लीन स्वीप हो गया है, तभी से पूरे क्रिकेट जगत में हर कोई पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ा रहा है। शर्मनाक हार मिलने के बाद ड्रेसिंग रूम में बैठकर पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी रात भर रोते हुए नजर आए थे। इस दौरान मोहम्मद रिजवान का ड्रामा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा चलते हुए मैच के दौरान मोहम्मद रिजवान कई तरह के नाटक करते हुए नजर आते हैं। उसको देखने के बाद मैदानी अंपायर भी मोहम्मद रिजवान की जमकर क्लास भी लगाए हैं। कई बार ऐसा लग रहा है जैसे मोहम्मद रिजवान को घर पर ही बांग्लादेश के हाथों शर्मनाक हार मिलने के बाद उनके ऊपर कोई असर तक नहीं पड़ा है, इसी वजह से मोहम्मद रिजवान ड्रामा करते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ने अब कौन सा बहुत बड़ा कांड कर दिया है, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को बताता हूं पाकिस्तान के उस पूर्व खिलाड़ी के बारे में जिन्होंने इस बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जमकर धज्जियां उड़ाने का काम किए हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के पूर्व ओपनर बल्लेबाज अहमद शहजाद की, जो अक्सर पाकिस्तान के नेशनल न्यूज चैनलों पर आकर बाबर आजम की जमकर आलोचना करते हुए नजर आते हैं। अहमद शहजाद के बयानों से ऐसा लगता है कि जैसे अहमद शहजाद को बाबर आजम से कोई पर्सनल दुश्मनी हो। जी हां दोस्तों, इस बार अहमद शहजाद ने बाबर आजम की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए बाबर आजम को क्रिकेट से संन्यास लेने की सलाह दे दिए हैं। बांग्लादेश के हाथों दो टेस्ट मैचों की सीरीज में बुरी तरह से सफाया होने के बाद इस बार अहमद शहजाद का गुस्सा देखने लायक था। अहमद शहजाद ने इस शर्मनाक हार का सबसे बड़ा गुनहगार बाबर आजम को ठहराया है। अहमद शहजाद ने कहा है कि बाबर आजम को जो लोग पाकिस्तान में किंग बनाए हुए हैं, आखिर आपका किंग कब परफॉर्मेंस करके देगा? पिछले कई टेस्ट मैचों से बाबर आजम एक अर्धशतक तक नहीं जड़ पाए हैं और आलम यह निकलता है कि पाकिस्तान की टीम आज इतनी ज़्यादा बर्बाद हो गई है कि पिछले दो तीन सालों से पाकिस्तान की टीम अपने घर पर ही कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पा रही है। कभी पाकिस्तानी टीम को जिम्बाब्वे जैसी टीम बुरी तरह से धूल चटा देती है तो कभी पाकिस्तानियों को यूएसए से भी हार का सामना करना पड़ता है। अहमद शहजाद आगे बोलते हैं कि बाबर आजम को अब क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए, बाबर आजम क्रिकेट के लायक नहीं है। आखिर हम बाबर आजम को कब तक और कितने मौके देंगे? बाबर आजम ने हमेशा अपने आवाम को निराश करने का काम किया है। आप लोग बताइए आखिर पीसीबी बाबर आजम को इतना ज़्यादा सम्मान क्यों देती है? जो लोग बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से किया करते हैं उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, विराट कोहली ने न जाने कितने मैच अकेले दम पर टीम इंडिया को जिताने का काम किए, मगर पिछले दो तीन सालों से पाकिस्तानी टीम जब जब संकट में फंसती है और पाकिस्तानी आवाम को बाबर आजम से एक अच्छी पारी की उम्मीद होती है तो बाबर आजम पहले ही आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं और बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भी पाकिस्तानी आवाम को बाबर आजम से एक अच्छी पारी की उम्मीद थी, मगर बाबर आजम एक बार फिर से सस्ते में ही निपट जाते हैं। फिर क्या, उसके बाद पूरे पाकिस्तान देश भर में बाबर आजम के खिलाफ जमकर गुस्सा देखने को मिलता है। लाहौर से लेकर कराची की सड़कों पर कई लोग इकट्ठा होते हैं और बाबर आजम के पुतले भी जलाते हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी टीम को बांग्लादेश के हाथों घर पर ही शर्मनाक तरीके से हार का सामना करना पड़ा है, उसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया वालों का भी गुस्सा देखने को मिलता है। टीवी चैनलों पर आकर पाकिस्तान के कई सारे न्यूज एंकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स एंकरों का कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का अब हुक्का पानी पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। पीसीबी इन्हें कई लाख रुपए देती है और इन्हें कई सारे सुविधाएं भी मुहैया करवाती है, मगर यह खिलाड़ी अपने घर पर ही पाकिस्तानी आवाम को निराश करने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हुक्का पानी पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी किसी भी छोटी टीम के हाथों शर्मनाक तरीके से हारते हैं तो इन खिलाड़ियों के मैच फीस में कटौती किया जाना चाहिए।